जैसा कि आप सबको पता है कि आज के क्लास में हम नॉच कॉलर ब्लाउज सीखने वाले हैं। इन टुडेज क्लास वी विल लर्न नॉच कॉलर। तो आज के क्लास में जो मैं मार्किंग करूँगी वो डायरेक्ट फैब्रिक पे करूँगी, यानी कि मेथड हमारा सेम रहेगा बट मैं मार्किंग फैब्रिक पे करूँगी। प्लस ये प्रिंसेस कट भी होने वाला है, तो अगर आपको फैब्रिक पे मार्किंग करना नहीं फा रहा तो आप पेपर ड्राफ्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फैब्रिक पे डायरेक्ट मार्किंग कर रही हूँ। इन टुडेज क्लास आई विल मार्क डायरेक्टली ऑन फैब्रिक, बट यू कैन मार्क ऑन पेपर इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल ऑन डायरेक्टली ऑन फैब्रिक। बट अगर जिसको भी पहले से ब्लाउज आता है उनको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी, तो वो लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं। इफ़ यू नो ऑलरेडी हाउ टू मेक ब्लाउज देन यू विल ग्लैड टू नो दिस ट्रिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। नॉच कॉलर ब्लाउज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम बैक और फ्रंट दोनों लगातार मार्क करेंगे। फर्स्ट हम बैक मार्किंग करेंगे। सो फैब्रिक यहाँ पे मैंने लिया है 4 लेयर, ताकि फ्यूजिंग का ज़रूरत ना पड़े। आई विल नॉट यूज़ लाइक्रा फ्यूजिंग, दैट्स वाई आई टेकन डबल लाइनिंग, मीन्स 2 मीटर। सो देख सकते हो आपकी इस तरह से मेरा अस्तर फोल्ड हुआ है। 4 लेयर है टोटल, इट्स 4 लेयर, 1, 2, 3 एंड 4। सो नॉच कॉलर ब्लाउज की पैटर्न किस तरह से होती है वो तो आप सबको पता है, प्लस मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर दूँगी। देखो, ये फोल्ड साइड है, यहाँ पे मैं मार्किंग करने वाली हूँ। ये फोल्डिंग साइड का मार्क है। दोनों पार्ट को हम एग्जैक्ट मैच करेंगे। यहाँ से मैं मार्क करूँगी लेंथ और ये सब। सबसे पहले हम नीचे एक लाइन खींच लेते हैं, ब्लाउज की लेंथ मार्क करेंगे। ब्लाउज लेंथ प्लस 1 इंचेस, सो 14 प्लस 1। आर्म लेंथ सेम 7.5 इन 33 साइज। मैं अपनी साइज का बना रही हूँ, आई एम मेकिंग विथ माई साइज, माई मेजरमेंट। सो सेम फर्स्ट ब्लाउज की तरह ही मार्क होगा। तो ये हमारी शोल्डर लाइन है, अपर चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन। सो यहाँ पे सबसे पहले हम अपर चेस्ट में मार्क करेंगे। अपर चेस्ट डिवाइड बाय 4, अपर चेस्ट डिवाइड बाय 4, सो 7.75 प्लस 2 इंचेस मार्जिन। वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंचेस डार्ट, 6.5 प्लस 1 7.5 प्लस 2 इंचेस मार्जिन। अब हम यहाँ से मार्क करेंगे शोल्डर हाफ 6.5 प्लस 1/2 इंचेस मार्जिन, शोल्डर हाफ प्लस 1/2 इंचेस मार्जिन। अब देखो, यहाँ से जो आर्म होल लेंथ है वो हमने उसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया, उसमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इन आर्म होल लेंथ वी डोंट हैव टू मार्क ऐड एनी मार्जिन। 1 इंचेस शोल्डर डाउन कंपल्सरी इन ऑल साइज। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका 1 इंच से ज़्यादा शोल्डर डाउन है तो आपको 1.25 इंच मार्क करना होगा, प्लस यहाँ से भी 0.25 इंक्रीज करना होगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इफ़ योर शोल्डर डाउन इज़ मोर देन 1 इंचेस यू हैव टू मार्क 1.25 एंड 0.25 यू हैव टू इंक्रीज फ्रॉम हियर, क्लियर। तो अभी हम यहाँ से मार्क करेंगे टेस्ट डिवाइड बाय 12, 2.75। ये आपको 3 इंच से ज़्यादा मार्क नहीं करना, यू डोंट हैव टू मार्क मोर देन 3 इंचेस। दोनों मार्क को हम मिला लेते हैं। 1 इंच वाला मार्क मिलाएंगे हम, 1.25 वाला नहीं। अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। शोल्डर स्लोप मेज़र करने का कोई तरीका नहीं है, हमें आँखों से मेज़र करना है शोल्डर स्लोप। वी हैव टू मेज़र फ्रॉम आवर आइज आवर शोल्डर स्लोप। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, ऐसे नहीं मिलाना, वी डोंट हैव टू मार्क लाइक दिस। इस तरह से हम हमारा 2 इंच का मार्जिन सेपरेट रख के बैक का आर्म होल बनाएंगे। नाउ लेट्स मार्क डार्ट्स। अभी हम डार्ट मार्क करेंगे, तो इसका सेंटर ले लेते हैं। अब देखो, मैं ये डायरेक्ट मार्किंग कैसे कर पा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई भी चेंज नहीं है, बेसिक ड्राफ्ट जैसा ही रहेगा ये। अगर बेसिक ड्राफ्ट से हमें डीप नेक बनाना होता तो मैं डायरेक्ट कभी भी मार्क नहीं करती,
वैसे 100% परफेक्ट फिटिंग नहीं आती। इन नॉच कॉलर ब्लाउज वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग फ्रॉम बेसिक बॉडीज ब्लॉक, दैट्स व्हाई आई एम मार्किंग डायरेक्टली ऑन फैब्रिक। बट इफ वी हैव टू मेक डीप नेक देन वी हैव टू चेंज मैनी थिंग्स, दैट्स व्हाई आई प्रिफर फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ ब्लाउज फर्स्ट मेक ऑलवेज योर बेसिक ड्राफ्ट, सो यू विल गेट 100% परफेक्ट फिटिंग। चलो बैक की मार्किंग तो हो गई। अभी हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट की मार्किंग करते वक्त मैं अपनी एक पहले बेस लाइन बना लेती हूँ 1.25 मार्क एंड मेक अगेन बेस लाइन, 1.25 इंच पे मार्क करके वापस से एक बेस लाइन बनानी है। इसको हम इस तरह से रखेंगे, ट्रेस आर्म लेंथ। अब हम मार्क करेंगे अपर वेस्ट लाइन 12.5 अपर वेस्ट लाइन प्लस 1/2 इंचेस शोल्डर मार्जिन, 1/2 इंच हमारा शोल्डर मार्जिन रहेगा तो 13 इंचेस अपर वेस्ट लेंथ प्लस 1/2 इंचेस शोल्डर मार्जिन, फ्रंट लेंथ प्लस 1 इंचेस मार्जिन। सारी मार्किंग को सीधी बढ़ा देंगे। आप सबको क्लियर हो रहा है कि मैं मार्जिन किस हिसाब से ले रही हूँ? एवरीवन क्लियर अबाउट हाउ आई एम टेकिंग मार्जिन? इट्स अपर चेस्ट लाइन, अपर वेस्ट लाइन, लोअर वेस्ट लाइन। अब देखो शोल्डर की लाइन भी हमें मार्क करनी है। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे बैक के साथ चेस्ट, तो हमें क्या करना है, इसको हाइड कर देंगे। लेट्स हाइड बैक साइड सीम अलावेंस। देन चेस्ट डिवाइड बाय 2, 16.5। चेस्ट का हाफ लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। सो बैक हमारा फ्रंट से कम मार्क हो गया। यू कैन सी फ्रंट इज ऑलवेज बिगर देन अवर बैक, फ्रंट हमेशा बैक से बड़ा होता है। सेम मार्किंग डाउन साइड स्ट्रेट, शोल्डर हाफ प्लस 1/2 इंचेस, शोल्डर हाफ प्लस 1/2 इंचेस। अब देखो कभी भी ये कॉलर वाला नेक है, ये वाला जो ब्लाउज बनने वाला है उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, राइट? तो अब आपका बैक में पैक नेक रहेगा बट फ्रंट से हमारा ओपन है, मतलब बैक से हमारा पूरा क्लोज रहने वाला है। तो आप ऐसी कंडीशन में बैक का शोल्डर अलग मार्क कर सकते हो, यू कैन मेजर। कभी भी बैक से फुल क्लोज ब्लाउज बना रहे हो तो आप बैक और फ्रंट का शोल्डर डिफरेंट ले सकते हो। इफ़ यू आर मेकिंग बैक क्लोज नेक ब्लाउज यू कैन मेक इन कॉलर ब्लाउज यू कैन मेजर बैक एंड फ्रंट शोल्डर सेपरेटली। सो फ्रॉम बैक शोल्डर यू हैव टू मार्क बैक, फ्रॉम फ्रंट शोल्डर वी हैव टू मार्क फ्रंट। तो देखो बैक का शोल्डर मेरा 13.5 अप्रॉक्स है, ओके, बट मैं सेम पॉइंट से ही मेजर करूँगी, फ्रॉम द सेम पॉइंट वी हैव टू मेजर फ्रॉम फ्रंट। सो मेरा 13 आ रहा है, यानी मेरा 1/2 इंच का डिफरेंस है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन आपके साइज़ में अगर हैवी साइज़ है तो 1 से 1.5 इंच के ज़्यादा भी डिफरेंस आ सकते हैं, क्योंकि उनका बैक यहाँ से भारी होगा। इन हैवी साइजेस यू विल गेट बैक शोल्डर मोर देन फ्रंट शोल्डर, सो यू हैव टू मार्क अकॉर्डिंगली। लाइक बैक शोल्डर यू हैव टू मार्क बैक शोल्डर डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2, फ्रंट शोल्डर डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2, देन यू हैव टू मार्क शोल्डर। यू कैन मेजर रेडी शोल्डर लाइक दिस। आप रेडी शोल्डर इस तरह आप मार्क वो कर सकते हो, मेजर कर सकते हो रेडी शोल्डर, ठीक है, और वही चीज़ आप इसमें मार्क कर सकते हो। सो बैक और फ्रंट के शोल्डर को इस तरह से आपको मैनेज करना है।
यू हैव टू मैनेज बैक एंड फ्रंट शोल्डर लाइक दिस इन हैवी साइज. सो यू विल नॉट गेट एक्स्ट्रा लूज हेयर फ्रंट एंड यू विल नॉट गेट बैक पैक. या फिर आप हाफ इंच माइनस कर सकते हो फ्रंट का शोल्डर. यू कैन ऑल्सो माइनस हाफ इंचेस फ्रंट शोल्डर विदाउट मेजरिंग एनीथिंग. बिना कोई माप के आप फ्रंट का शोल्डर माइनस भी कर सकते हो. तो देखो बैक का शोल्डर जैसे कि मैंने अभी 7 पे ही मार्क कर लिया है. वैसे तो मेरा 13.5 था बैक का शोल्डर.